तो जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज़ द पर्पस। यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन, व्हाट इट्स अबाउट इज यू नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट फॉर। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, यू नो, लेट से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, यू नो, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इन्फीरियर रह गया, जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आसपास इतने सारे मोटिवेशन है। यू नो, आप खुद अपने आप को मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, यू नो, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। And I feel for me, you know, country is the biggest or the most motivating factor for me. You know, there's one saying, what doesn't kill you makes you strong. So definitely I'm stronger. Yes, you know, there were times when we were under pressure, we had to win 4 out of 5 games or 3 out of 4 games. We have done it. But how do you know you are a strong character? Unless you are pushed to the deeper end, unless you have that pressure, you know, it's all well said, you know, when I'm sitting over here and saying something, okay, this should be done, this should be done. But when it comes to the action part, so I always say, why people say action speaks louder than words. These are the things, you know, we want everybody to do certain kind of things, but when it comes to us, we may or may not do the same thing. So that's why action is more important. So us samay डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको ख़राब लगता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट इम्पॉर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, यू नो, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ। और साथ में चाहे आप एक सीनियर मैनेजमेंट लीडर हो या जूनियर हो, चाहे आप वर्कर हो, जो भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना, हाँ ये मेरे से गलती हुई है,